हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब मैं एक बहुत अहम आंकड़ा आपको दिखा देती हूं। पंजाब का है ये आंकड़ा। कल दिन भर हमने आपको दिखाया कि पंजाब सरकार से कैसे लापरवाही हो गई। जो श्रद्धालु नांदेड़ से लेकर आए उनमें कितने केसेस कोरोना पॉजिटिव निकले। पंजाब में कुल आंकड़ा अभी तक 322 है। हालांकि कोई स्थिति बेकाबू नहीं हुई है, ये आंकड़ा यही दिखा रहा है। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल, पंजाब सरकार ने कल हमारे दिनभर ये खबर दिखाने के बाद, आपकी रिपोर्टिंग के बाद, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था कि लापरवाही हुई है। कुछ और बसें भी अब पंजाब पहुंची हैं। ये कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो कि जानकारी छुपा रहे हैं। क्या मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए जिन्होंने ये लापरवाही बरती? शोभना, देखिए सबसे पहले जो आंकड़ा आप जिक्र कर रहे थे वो कल का आंकड़ा था। आज आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव का पंजाब में 344, और इनमें से 14 वो केस आ गए हैं चार जिलों में जो महाराष्ट्र से वापस लौटे हुए लोग हैं। अभी तक सभी को क्वारंटीन करके उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र से तकरीबन 6,000 से 7,000 लोग वापिस लौटे हैं। तो इस कोविड टेस्ट में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, और रिपोर्ट धीरे धीरे आ रही है। दूसरा जिक्र आपने किया कि चूक मानने के बाद सरकार ने यह कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। आप सही बात कह रहे हैं। मुझे तो यह लगता है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने महाराष्ट्र से आए लोगों को घर पहुंचने के बाद 24 घंटे बाद यह आदेश जारी किया कि इनका कोविड टेस्ट होना है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी आदेश जारी करने में ही लेट हो गए। दूसरी बात यह है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे करने की बात हो रही है। रात को हेल्थ मिनिस्टर ने हमें 10 बजे जो इंटरव्यू दिया बलवीर सिद्धू ने, उसमें कहा कि तरन तारण के कई लोग जो हैं वो इन बसों में आने की बजाय खुद अपने भाड़े के वाहन करके आ गए। लोग 40-40 दिन से वहां फंसे हुए थे, उनको जैसे ही लगा कि वापसी का रास्ता खुल गया है तुरंत जल्दी आने के चक्कर में उन्होंने भाड़े के वाहन किए, और ऐसे 15 लोग बताया गया है तरन तारण के जो वापिस आए उस गाड़ी में, जिनमें से 8 लोग अब पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार अपने कामों से बचकर कैसे लोगों पर जिम्मेदारी डाल सकती है। आप धूल वाली एकदम खटारा एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और उन लोगों के खिलाफ आप करिए, लोगों के खिलाफ भी करिए जिन्होंने लॉकडाउन का कानून तोड़ा है या कर्फ्यू को तोड़ा है या नियम को तोड़ा है, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, कैप्टन सरकार को करनी चाहिए जिन अधिकारियों ने महाराष्ट्र से इनके वापस चलने से पहले वो इंतजाम नहीं किए जो इंतजाम अब किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पंजाब सरकार जो अब एहतियाती कदम उठा रही है वो उन मजदूरों को वापस लाने से पहले, उन श्रद्धालुओं को वापस लाने से पहले उठाने चाहिए। तो तमाम सहयोगियों को आप इस समय देख रहे हैं मेरे साथ फ्रेम में, इन तमाम सहयोगियों का मैं रुख करूंगी। अजय दुबे भी मुझसे जुड़ेंगे, ब्रजेश राजपूत भी। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।